हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बनाना केले का केक, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट है। साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसे हम बनाने वाले हैं गेहूँ के आटे और केले के साथ। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी केक के लिए मैंने लिया है, ये हैं 2 पके हुए केले, पके हुए केले हैं। उसके अलावा 2 कप गेहूं का आटा, यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया, आप चाहो तो मैदा भी ले सकते हो। ये है दूध, पीसी हुई शक्कर, ऑयल है 1/2 कप, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और ये है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स मैंने लिया है काजू, किशमिश, चोको चिप्स और थोड़े से टूटी फ्रूटी है। ड्राई फ्रूट यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। अब हम करते हैं आटे का प्रिपरेशन। मैंने लिया एक बाउल, बाउल में सबसे पहले मैं केले को छील के डाल दूँगी, उनका छिलका उतार लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 केले का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम लोग 2 कटोरी के अकॉर्डिंग बनाने वाले हैं। मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, इसलिए मैं 2 बनाना ले रही हूँ। अब बनाना को मैंने छोटे पीस करके उसको फोक के मदद से मैश कर रही हूँ। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कटोरी पीसी हुई शक्कर, ये पीसी हुई शक्कर है, इसे मैंने 1/2 कटोरी लिया है। लेके अब मैं फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ विस्कर की मदद से। आप चाहो तो यहाँ पे हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट हैंड ब्लेंडर सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैं हैंड विस्कर की मदद से कर रही हूँ। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कटोरी कुकिंग ऑयल, यहाँ पर आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं इसको अच्छे से फेंट रही हूँ, फेंट के अब मैंने रखा है एक छन्नी, छन्नी में अब मैं डाल रही हूँ गेहूं का आटा। गेहूं का आटा यहाँ पे मैं 2 कटोरी ले रही हूँ। गेहूं के आटे की जगह आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट गेहूं के आटे से बनाओगे तो केक हेल्दी रहेगा। मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, 2 कटोरी आटा लेके अब मैं इसमें डालने वाली हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैं 2 टीस्पून ले रही हूँ, 1 कटोरी के लिए 1 स्पून रहेगा। यहाँ पर मैं 2 कटोरी ले रही हूँ, इसलिए 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। हमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडे का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा डालेंगे तो केक एक साथ फूल के बैठ जाएगा, प्रॉपर वे में नहीं पक पाएगा। अब आटे को हमें एकदम अच्छे से छानना है, ताकि उसमें कोई लम्स ना हो। आटे और बेकिंग पाउडर के मिक्सचर को मैंने अच्छे से छान लिया है, छान के विस्कर से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसमें डालने वाली हूँ दूध को। जिस कप से मैंने आटा शक्कर लिया है, उसी कप से अब मैं दूध ले रही हूँ। दूध हमें 1 कप लेना है, 2 कप आटा है तो 1 कप मैं दूध ले रही हूँ। थोड़ा सा कम है तो मैंने थोड़ा सा और दूध डाल के, ये बराबर 1 कप दूध है। दूध को हमें एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। एक साथ डालेंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें। इसका बैटर ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। जो रेशो मैं बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप बनाओगे तो आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, स्पंजी बनेगा। अब थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा दूध डाल के इसे अच्छे से फेंट लिया है। ये केक आप चाहो तो गैस के ऊपर भी बना सकते हो। अगर आप गैस के ऊपर बनाओगे तो किसी मोटी तली की कढ़ाई या कुकर में पहले रेत या नमक डाल लेना, उसे अच्छे से गर्म कर लेना। गर्म करने के बाद केक का जो बर्तन है उसे रख के धीमी आंच पे 30 मिनट के लिए पका लेना। 30 मिनट में आपका केक बन के रेडी हो जाएगा। अब हमारा बैटर भी अच्छे से रेडी है। मैंने लिया एक बेकिंग ट्रे या मोल्ड, उसके ऊपर मैंने डाला है बटर पेपर। बटर पेपर डाल के अब मैं इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप डायरेक्ट ऑयल से ग्रीस करके उसके ऊपर थोड़ा सा आटा डाल देना। ऐसा करने से भी केक निकालने में आसानी होगी। अब मैंने इसको रख दिया है साइड में। साइड में रख के अब जो बैटर है उसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में सबसे पहले मैंने डाला है टूटी फ्रूटी, उसके बाद मैंने डाला है बारीक कटा काजू। काजू डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश और चोको चिप्स डाल के, थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए बचा के रख लिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसमें को डालने वाली हूँ हमारे ग्रीस किए हुए बेकिंग ट्रे में। बेकिंग ट्रे में डाल के मैं इसको अच्छे से टैप करूँगी 2-3 बार। टैप करने से इसमें जो भी एयर बबल्स है वो पूरे निकल जाते हैं। अब मैंने पूरा बैटर डाल लिया है, डाल के इसको मैं थोड़ा सा टैप कर रही हूँ। टैप करके अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट। मैंने माइक्रोवेव को पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख लिया था। अब मैं इसको रखने वाली हूँ माइक्रोवेव ओवन में। मैंने कन्वेक्शन मोड पे माइक्रोवेव को 180 सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए सेट कर लिया। सेट करके अब मैं इसके अंदर रख रही हूँ केक के बैटर वाला डिश। सबसे पहले स्टैंड रखा है, फिर उसके ऊपर रखा है बैटर वाला ट्रे। रख के अब मैंने डोर क्लोज करके माइक्रोवेव को ऑन कर दिया है। 30 मिनट में हमारा केक बनके रेडी हो जाएगा। किसी किसी माइक्रोवेव में 30 मिनट से ज़्यादा भी समय लग सकता है, वो डिपेंड करता है माइक्रोवेव के ऊपर और केक के बैटर की क्वांटिटी के ऊपर भी।
30 मिनट में हमारा केक बनके रेडी है। मैं इसको निकाल के इसमें नाइफ डाल के चेक कर रही हूँ। अगर हमारा नाइफ क्लीन निकलता है, उसमें बैटर नहीं चिपकता, इसका मतलब केक रेडी है। अगर चिपकता है तो 5 मिनट के लिए और रख लेना। बट ये केक 30 मिनट में बनके रेडी है। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट में। प्लेट में निकाल के मैं इसको काट के आप लोग को दिखाऊंगी। ये केक बहुत ज़्यादा टेस्टी तो है ही, साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसे हम लोग गेहूँ के आटे और बनाना से बना रहे हैं और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप इसे एक बार बना के ज़रूर देखना। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। आप भी ये टेस्टी हेल्दी स्पंजी बनाना केक बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।